Hello everyone, how are you all? Once again, this is Viral Shah and welcome you to the show Hashtag Ask Triple I. And this is the platform जहाँ पे हम लोगों के बहुत सारे queries, doubts को solve करते हैं related to export-import industry. आज का हमारा question है from मनोज सूर्यवंशी. उन्होंने कहा है कि I'm a professional accountant. क्या मैं account services में export कर सकता हूँ क्या? तो मनोज जी, first of all, thank you very much for our regular viewer. हमारे वीडियोस देखने के लिए और उसके अंदर से आपको ये एक सबसे पहले तो इंस्पिरेशन मिली है कि नहीं चलो मुझे एक्सपोर्ट करना है, दैट इज रियली गुड थॉट. उसके बाद आपको ये ख्याल आया कि नहीं मैं अगर एक्सपोर्ट करूं तो क्या करूं, राइट? सो ऑलवेज वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव द प्रोडक्ट. सो एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट आप अकाउंटेंट सर्विसेज यहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो और अब आप अकाउंटेंसी सर्विसेज आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, सो दैट इज रियली गुड क्वेश्चन. और जैसे आपने शायद हमारे आगे के कुछ वीडियोस देखे होंगे, मैंने सर्विस एक्सपोर्ट के बारे में भी एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने बताया था कि दैट ऑल द प्रोफेशनल सर्विसेज, नॉट ओनली अकाउंटेंट सर्विसेज, उसके अलावा भी बहुत सारे सर्विसेज ऐसी है जो इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं. एंड दैट इज रियली गुड थिंग अबाउट इंडिया एज वेल कि ऑल ओवर वर्ल्ड से नाउअडेज पिछले 10 साल की अगर हम लोग बात करें, पिछले 1 डिकेड की अगर हम लोग बात करें, तो इंडिया से सर्विस एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है. आईटी इंडस्ट्रीज का एक्सपोर्ट बड़ा है, आईटी रिलेटेड सर्विसेज इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हुआ है. अकाउंटेंट सर्विसेज का भी आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. प्रोफेशनल के अंदर लॉयर है या डॉक्टर्स है, दे आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग. इवन टूर्स एंड गाइडेड टूर्स वाले भी हैं, जो टूर्स एंड ट्रेवल्स इंडस्ट्रीज वाले हैं, होटल इंडस्ट्रीज वाले हैं, दे आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग सर्विसेज. तो ऑब्वियसली अकाउंटेंसी सर्विसेज भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं. और आपके लिए सबसे अच्छी बात ये होगी दैट यू डोंट हैव द फिजिकल प्रोडक्ट, आपको कोई पैकेजिंग का या ऐसा कोई टेंशन नहीं है. बट अकाउंटेंट सर्विसेज के अंदर आपको सिर्फ एक ही चीज में ध्यान रखना है कि अकाउंटेंसी का जो लॉ है या जो हमारा टैक्सेशन स्ट्रक्चर्स हैं वो इंडिया का और दूसरी कंट्रियों का डिफरेंट रहेगा. तो वहां पे आपको थोड़ा ये सीखना पड़ेगा या दिखना पड़ेगा. या तो एनआरआई पीपल जो इंडिया में अपने अकाउंट्स हैंडल करना चाहते हैं एंड उनके हैंडल आप अकाउंट यहाँ पे करते हो एंड अकॉर्डिंगली दे आर गोइंग टू गिव यू जो भी पेमेंट है वो डॉलर्स में या फिर फॉरेन करेंसी में अगर आपको देते हैं, तो आपका ये एक्सपोर्ट बहुत अच्छा हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आपको लेकिन अकाउंटेंट सर्विस या सर्विस एक्सपोर्ट, बेसिकली सर्विस एक्सपोर्ट के अंदर पूरे 1 साल का आपको कितना इनकम होता है वो आपको देखना है. अकॉर्डिंगली यू कैन क्लेम फॉर द SEIS सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं, उसका बेनिफिट भी आप इंडियन गवर्नमेंट से ले सकते हैं. सो मनोज जी बिंदास आप इसके ऊपर और ज्यादा वर्कआउट कीजिए. मैं तो बोलता हूं कि आप थोड़ा पर्पसफुली थोड़ा अच्छी तरीके से अगर सेटअप करें, आप इस चीज को प्रॉपरली वर्कआउट करें ना, तो आई कैन गिव यू द गारंटी दैट एक बहुत बड़े पैमाने पे आप शुरुआत कर सकते हो. पुणे के अंदर एक लड़का है जिसको खुद इलिटरेट था, मतलब उतना ज्यादा उसने एजुकेशन नहीं उतना ज्यादा लिया था, बट व्हाट ही हैज डन, उसने खुद ने क्या किया, उसको कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड ग्रुप में से या कहीं ना कहीं उसको एक लिंक मिला कि चलो ठीक है फॉरेन का एक बंदा है जिसको एजुकेशन चाहिए. तो वहां से यहाँ पे बैठे बैठे उन्होंने एक जो प्रोफेसर थे उनके थ्रू उनकी सर्विस ली और उनके थ्रू एजुकेशन उनको दिलवाना शुरू किया. एंड अकॉर्डिंगली उसका ये जो आइडिया था उसने उस तरीके से डेवलप किया कि एक भाड़े पे जगह ली और वहां पे उसने 10-12 पीसीज लगा दिए और वहां से उसने एजुकेशन सेंटर शुरू कर दिया, वो भी फॉरेन कंट्री में, हमारे यहाँ पे नहीं, फॉरेन कंट्री में वो एजुकेशन देना उसने शुरू कर दिया और वहां से बहुत सारी इनकम उसने वहां से अर्न करना शुरू किया. सो आप भी कुछ इस तरीके से कर सकते हैं. फॉरेन के जितने भी अकाउंट्स आपको मिल सकते हैं ट्राई टू ग्रैब इट फर्स्ट ऑब्वियसली, बट धीरे धीरे करके आप उसको एक बड़े पैमाने पे लेके जाइए. एक ऐसा अकाउंट सर्विस एक्सपोर्ट का एक हब बना सकते हैं आप. 10, 12, 15, 25, 50 अकाउंटेंट को बिठा के बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट इस चीज को लेकर जा सकते हैं. उसके अंदर थोड़ा लॉ भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं. सो आइडियाज बहुत सारे हैं, जस्ट ट्राई टू इम्प्लीमेंट एज सुन एज पॉसिबल एंड ट्रस्ट मी यू कैन डू दिस. आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर कोई भी और डाउट क्वेरी आती है सो अगेन आप हमारे यहाँ पे आ सकते हैं, हमारा नंबर ऑलरेडी हमारे वेबसाइट आपके पास है. सो अगेन फिर से कमेंट कर सकते हैं. सो मोर देन वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग द क्वेश्चन मनोज जी. विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक.